वेलकम दोस्तों, आरियल डीएनएस एनएस की बोतल में कौन कौन से इंजेक्शन मिक्स करते हैं जब बॉडी में कमजोरी महसूस हो या थकावट महसूस हो या पानी की कमी हो या खून की कमी हो, तो उस कंडीशन में आईवी फ्लूइड में कौन कौन से मेडिसिन मिक्स किए जाते हैं, उनकी संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। तो इसमें सबसे पहले बात करेंगे आरियल यानी रिंगल लैक्टेट फ्लूइड। रिंगल लैक्टेट, अगर इसके मिक्सचर की बात करें तो इसमें सोडियम क्लोराइड, सोडियम लैक्टेट, पोटेशियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड और साथ में वाटर कंटेंट रखता है। अगर हम इसके यूजेस की बात करें कहां कहां पे आरियल फ्लूइड यूज किया जाता है, तो डिहाइड्रेशन यानी जब बॉडी में पानी की कमी हो जाए तो उस कंडीशन पे दी जाती है। इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस कंडीशन में, यानी जो इलेक्ट्रोलाइट होते हैं जैसे कि सोडियम पोटेशियम, जब उनका इम्बैलेंस हो जाता है यानी जब डिहाइड्रेशन होती है तब ये कंडीशन हो सकती है, या किसी अदर रीजन से भी ये कंडीशन हो सकती है, तब उस कंडीशन पे आरियल दिया जाता है। न्यूट्रिएंट डिफिशिएंसी यानी जब बॉडी में पोषण तत्वों की कमी हो जाए तब दी जाती है। यूज इन लो ब्लड प्रेशर यानी जब किसी का ब्लड प्रेशर जो है वो लो हो जाता है तब उस कंडीशन पे इस आईवी फ्लूइड का इस्तेमाल किया जाता है। अब बात करेंगे आईवी फ्लूइड में कौन कौन से इंजेक्शन मिक्स किए जा सकते हैं, खासकर आरियल आरियल आईवी फ्लूइड में कौन कौन से इंजेक्शन मिक्स किए जा सकते हैं। तो उनमें जो सबसे पहला इंजेक्शन है वो है एमबीआई, जो कि काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल माना जाता है अगर बॉडी में थकावट महसूस हो रही हो या बॉडी में कमजोरी महसूस हो रही हो। जब आप इसको ड्रिप में डालेंगे तो कुछ इस तरह का कलर शो होगा यानी पीले कलर का। पॉलीवियान हुआ, ये भी एक मल्टीविटामिन है। ऑप्टीन्यूरॉन, ये भी एक मल्टीविटामिन है। तो इनमें से कोई भी मेडिसिन उपयोग किया जा सकता है। अदर कंडीशन की बात करें तो एसिडिटी में एसिलाक काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है जिसमें रेनेटिडीन होती है। अगर बॉडी में पेन भी हो रहा है तो उस कंडीशन पे डाइक्लोफिनेक इंजेक्शन का उपयोग किया जाता है। अगर पल्टी हो रही हो यानी उल्टियाँ आ रही हैं यानी वोमिटिंग हो रही हो तो उस कंडीशन पे वोमिकांड जिसमें ओंडेसेट्रान आता है उसकी इंजेक्शन जो है आरियल फ्लूइड में उपयोग की जाती है। इसके सिवा और कई सारे जो है वो इंजेक्शन इसमें डायल्यूट किए जाते हैं। अगर हम बात करें आरियल फ्लूइड के साइड इफेक्ट क्या क्या हो सकते हैं, तो इसमें जो मेनली साइड इफेक्ट देखे गए हैं वो हो सकता है बैक पेन यानी बैक एरिया में काफ़ी ज़्यादा पेन होगा, ब्लूइश कलर स्किन यानी स्किन का कलर जो है वो ब्लू हो सकता है, बर्निंग और ईचिंग यानी जिस जगह पे इंजेक्शन लगा हुआ है वहाँ पे बर्निंग सेंसेशन हो सकती है या वहाँ पे ईचिंग प्रॉब्लम हो सकती है, चेस्ट पेन, चेस्ट के रीजन में पेन हो सकता है या डिस्कम्फर्ट हो सकता है, डिक्रीजेज हार्ट रेट, कभी कभी क्या होता है इस बोतल को लगाने के बाद हार्ट रेट भी डिक्रीज करने लगता है, डिफ़िकल्ट ब्रीदिंग यानी कभी कभी ऐसी कंडीशन आती है कि श्वास लेने में भी प्रॉब्लम होने लगती है। अदर कुछ साइड इफ़ेक्ट की बात करें तो कभी कभी क्या होता है जैसे इस ड्रिप को यानी आरियल और एमबीआई को साथ में लगाया जाता है तो उस बंदे को काफ़ी ज़्यादा ठंड लगने लगती है, तो ये कुछ साइड इफ़ेक्ट देखने को मिलते हैं। अगर हम नेक्स्ट फ्लूड की बात करें तो वो है डीएनएस जिसमें पाया जाता है डेक्सट्रोज नॉर्मल सेलाइन। ये कंटेन रखता है 0.9% वेट बाय वॉल्यूम सोडियम क्लोराइड और 5 ग्राम जो है वो डेक्सट्रोज 100 ml की बॉटल में मिक्स रहती है, मतलब अगर इसकी क्वांटिटी के हिसाब से। यूजर्स की बात करें तो ये उस कंडीशन पे यूज की जाती है जब बॉडी में डिहाइड्रेशन यानी पानी की कमी हो या ब्लड और फ्लूइड लॉस, कोई किसी प्रॉब्लम की वजह से आपका ब्लड जो है या फ्लूइड जो है वो लॉस हो चुका हो तो उसको कवर करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। हाइपोग्लाइसीमिया यानी जब शुगर लेवल लो हो जाता है तब उस कंडीशन में इसका उपयोग किया जाता है क्योंकि इसमें डेक्सट्रोज पाया जाता है। इंसुलिन शॉक यानी उसी कंडीशन को यानी जब हाइपोग्लाइसेमिक कंडीशन आती है तो उसमें भी इंसुलिन शॉक की वजह से ये प्रॉब्लम पड़ती है तो उसको रिकवर करने के लिए भी डीएनएस का उपयोग किया जाता है। अब बात करेंगे डीएनएस में कौन कौन से इंजेक्शन मिक्स कर सकते हैं, तो डीएनएस में आप मल्टीविटामिन के इंजेक्शन मिक्स कर सकते हैं, आयरन के इंजेक्शन भी मिक्स कर सकते हैं, पॉलीवियान के इंजेक्शन भी मिक्स कर सकते हैं और अदर कई सारे इंजेक्शन जो है वो डीएनएस में मिक्स किए जा सकते हैं। अगर हम बात करें इसके मेनली साइड इफ़ेक्ट क्या क्या हो सकते हैं जब डीएनएस की ड्रिप किसी को लगाते हैं तो उस कंडीशन पे कौन कौन से साइड इफ़ेक्ट देखने को मिले हैं, तो उसमें साइड इफ़ेक्ट जो पहला देखने को मिला है इंजेक्शन साइड पे काफ़ी ज़्यादा पेन हो सकती है, स्वेलिंग हो सकती है और उस एरिया पे काफ़ी ज़्यादा रेडनेस भी हो सकती है। हाइपोटेंशन यानी उसका
बीपी भी लो हो सकता है, फीवर आ सकती है, ट्रेमर्स आ सकते हैं, यानी उसको बार बार झटके भी आने आ सकते हैं, क्योंकि ये इसके डीएनएस के साइड इफेक्ट होते हैं। चिल्स यानी उसको ठंड के साथ साथ बुखार भी आ सकती है, तो ये सारे जो है वो साइड इफेक्ट डीएनएस के होते हैं। अगर हम बात करें नेक्स्ट फ्लूड की तो वो है एनएस, एनएस जिसको नॉर्मल सेलाइन बोला जाता है। ये कंटेन रखता है 0.9% वेट बाय वॉल्यूम NaCl यानी सोडियम क्लोराइड रहता है, यानी ये पूर्ण रूप से सोडियम क्लोराइड, इसमें सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर रहता है। अगर हम इसके यूजेज की बात करें तो इसके भी कई सारे उपयोग हैं, जैसे कि डिहाइड्रेशन, ट्रीटमेंट ऑफ ब्लड और एंड फ्लूड लॉस, यूज फॉर ओंड वॉशिंग, यानी जब कोई चोट खा जाता है तो उस कंडीशन पे अगर आपको स्प्रिट ना मिले या हाइड्रोजन ना मिले तो उस कंडीशन पे NS जो होता है वो काफ़ी फायदेमंद होता है, क्योंकि ये घाव को धोने में भी काफ़ी ज़्यादा मदद करता है। यूज फॉर डायलूट कंसनट्रेटेड इंजेक्शन, अगर आपको इंजेक्शन लगाना है तो आप इसमें डायलूट करके इंजेक्शन भी दे सकते हैं उस पेशेंट को। अगर हम बात करें इसमें कौन कौन से इंजेक्शन मिक्स किए जा सकते हैं, तो इसमें मल्टीविटामिन भी दिया जा सकता है, जिसमें से पॉलीवियान जो है वो काफ़ी ज़्यादा यूज की जाती है, और सबसे ज़्यादा जो यूज की जाने वाली इंजेक्शन है NS में वह होती है आयरन सुक्रोज। आयरन सुक्रोज जो कि एनीमिक कंडीशन में यानी जब बॉडी में खून की कमी होती है तब इस इंजेक्शन को दिया जाता है, या किसी का बीपी काफ़ी ज़्यादा कम हो तो उस कंडीशन पे भी NS जो है वो काफ़ी ज़्यादा उपयोगी माना जाता है। अगर हम बात करें मेनली इसके क्या क्या साइड इफेक्ट देखे गए हैं, तो इसमें जो मेनली साइड इफेक्ट हो सकते हैं वो हो सकता है इन्फेक्शन एट द साइट ऑफ इंजेक्शन, जहाँ पे इंजेक्शन लगा हुआ है उस साइड पे पेन हो सकती है, बर्निंग सेंसेशन हो सकती है या रेडनेस हो सकती है। सेकंड साइड इफेक्ट की बात करें तो वेनस थ्रोम्बोसिस, ऐसी प्रॉब्लम होती है जिसके नस के भीतर जो होता है वो रक्त का थक्का जमने लगता है, तो ये साइड इफेक्ट जो हो वो हो सकता है। एक्स्ट्रावेसेशन, ऐसी प्रॉब्लम जिसमें जो तरल पदार्थ का श्राव साइड के रीजन से होता रहता है। हाइपरवोलेमिया, ऐसी कंडीशन जिसमें रक्त से संबंधित कई सारी बीमारियां हो सकती हैं, तो ये कुछ NS के जो है वो साइड इफेक्ट देखने को मिले हैं। दोस्तों आई होप ये जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी हो। दोस्तों कोई भी इनमें से फ्लूड आप खुद देख कर ना उपयोग करें, हमेशा डॉक्टर की सलाह पर ही किसी भी मेडिसिन का उपयोग करें। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अगर ऐसी वीडियो और चाहिए तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू दोस्तों।